हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन आवर मैथमेटिक्स यूट्यूब वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 12। टिल नाउ वी हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 10.3। नाउ वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 10.3। अभी तक बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 का कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब हमें एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करना है, तो अब 10.3 हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 है, मतलब कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू √3 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2। और दिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है इस दोनों वेक्टर के बीच का हमें एंगल निकालना है। जैसे ऐसे समझो कि मान लो ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है। ठीक, इनके बीच में एंगल थीटा है और इस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। जबकि वेक्टर ए का मॉडुलस √3 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और वेक्टर बी का भी मॉडुलस √2 दिया गया है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 6 है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 6 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए √3 और वेक्टर बी 2 3 या 6, तो आ गया 3 अपॉन √3। आप इसको चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 3 अपॉन √3 में √3 से मल्टीप्लाई ऊपर और √3 से मल्टीप्लाई नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 √3 अपॉन 3। ये काट देंगे तो ये आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा? √3। अब √3 जो है वो cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3। तो √6 है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया हमसे थोड़ा सा, ये √6 है तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा। √6 अपॉन 2 √3, तो 3 2 जा 6, √2 बचा, मतलब √2 अपॉन 2, तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू √2 अपॉन 2 में √2 से ऊपर और √2 से नीचे 2 अपॉन 2 √2। 2 2 काट देंगे, 1 अपॉन 2 √2। आपको खूब पता है क्या करना है सर। और फिर cos थीटा इक्वल टू cos 45 डिग्री, ये cos 45 की वैल्यू है, कंपैरिजन से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करें, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर यहाँ भी दिए गए हैं, इन दोनों वेक्टर की वैल्यूज दी गई हैं, मतलब वेक्टर फॉर्मिंग का दिया गया है, मतलब वेक्टर ए दिया गया है। वेक्टर ए है i-2j+3k और वेक्टर बी हमारा है 3i-2j+k। ठीक है बेटा, अब इसमें हमें एंगल निकालना है इन दोनों वेक्टर के बीच का। तो पहले हम मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेते हैं और मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा √1² ± 2² + 3², तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 3 9 4 13 और 1 14, √14। और यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं, वो भी आप निकालेंगे 3² + ± 2² + 1², तो 3² + ± 2² + 1² और ये भी √14 हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, क्योंकि यही फार्मूला लगेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, आप खूब निकालते हैं इसको, आई से आई में तो 3 बन गया 3, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3, तो हो जाएगा 4 3 6 और 6 3 9, तो ये हमारा आ गया अपना 9। ठीक है,
अब इसके बाद क्या काम करना है कि आपको वेक्टर डेटा वेक्टर भी पता है, ये दोनों पता है, ये उठा के यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो ये cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर थीटा इधर रोक करके cos उधर भेजिएगा तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स कुछ आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर थ्री लगाना है, तो अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपको थोड़ा सा समझाना भी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए कहा जा रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है आई कैप माइनस जे कैप, मतलब इसका प्रोजेक्शन निकालना है ऑन द आई कैप प्लस जे कैप, ऑन द वेक्टर होगा, ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, मतलब कि आपके पास कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर है और इसका वेक्टर ए वैल्यू है और ये हमारा वेक्टर बी है, और प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब आपको पता है कि प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब है कि मॉडुलस उसी के बराबर इनटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो जो इसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकाला जाता है, प्रोजेक्शन वेक्टर का फार्मूला, तो प्रोजेक्शन वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडा वेक्टर बी, ये फार्मूला चलता है प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के। जैसे मान लेते हैं ए का बी पे निकालना है, यहाँ नीचे की तरफ वो वेक्टर रखा जाएगा जिसके लिए निकालना है, मतलब जिस पर निकालना है माड़ा वेक्टर बी, यानी कि बी का काम ये करेगा और ए का काम ये। यही सवाल अगर ये कहा होता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वन, मतलब इस पर निकालना है, तो फिर इसको हम बी बना देते। मेरे कहने का मतलब है कि नीचे की तरफ मॉडुलस उसका रखा जाएगा ना बेटा जिस पे की प्रोजेक्शन निकालना होगा। आई बात समझ में कि नहीं आपको, तो निकालना किस पे है, इस पे निकालना है, तो ये वेक्टर बी बन जाएगा और वो वेक्टर ए बन जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे प्रोजेक्शन आ जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं लेट लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, सही है बेटा। ठीक, अब हमें इसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो यहां लिखेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, किसका निकाल रहे हैं वेक्टर ए का, किस पर निकाल रहे हैं वेक्टर बी पर, ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन माडा वेक्टर बी, तो यहां रख दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वन इंटू वन वन और यहाँ भी वन और आई आई आपको पता है माइनस वन अपॉन माडा वेक्टर बी, तो अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर और ये हो जाएगा जीरो अपॉन रूट टू, तो ये हो जाएगा जीरो, मतलब प्रोजेक्शन जीरो आया, किसका वेक्टर ए का वेक्टर बी पर। ठीक, आप फिर से सुन लीजिए, जिस वेक्टर पर निकालना होगा उसका मॉडुलस नीचे रखा जाएगा और बाकी जो तो वेक्टर ए वेक्टर बी आपको कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक, अब हमें क्वेश्चन नंबर फोर में दिखाना है, क्वेश्चन नंबर फोर में कहा जा रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स, आपको तीन वेक्टर दिए गए हैं, ध्यान समझिएगा, ये रेफर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर, हम समझा दे रहे हैं आप सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर फोर में तीन वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए है मान लीजिए।